मोदी आज 11 बजे करेंगे मन की बात। शर्तों के साथ चुनाव आयोग ने दी है मंजूरी। इलेक्शन कमीशन की इजाजत पर कांग्रेस ने जताई हैरानी। पटेल आरक्षण के लिए आंदोलन चला रहे हार्दिक पटेल को सूरत में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार रात अपने 99 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 14 मौजूदा विधायकों के टिकट कट गए हैं। जिनमें ही जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक सतीश कुमार को टिकट मिल गया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में भी सभी 243 सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। महागठबंधन में लालू यादव की पार्टी आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू और कांग्रेस शामिल है। आरजेडी और जेडीयू 101 और बाकी 41 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आज कांग्रेसी किसान सम्मान रैली रामलीला मैदान में है। रैली में जुटेंगे देश भर के किसान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल करेंगे संबोधित। राहुल गांधी ने पश्चिम चंपारण की रैली में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक साल में किसी को रोजगार नहीं मिला। मोदी जी 15 लाख का सूट पहनते हैं, ये सूट बूट की सरकार है। राहुल गांधी की रैली में एक व्यक्ति बैग में एयरगन लेकर पहुंचा। पुलिस ने तलाशी के दौरान एयरगन पकड़ी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक पूर्व आतंकी को गोली मारकर हत्या कर दी। उसका 3 साल का बेटा भी गोलीबारी में जख्मी हो गया। जम्मू कश्मीर के तंगमार्ग से हिजबुल मुजाहिदीन फयाज अहमद का शव बरामद किया गया। पुलिस को शक है कि बदला लेने के लिए किसी ने इसकी हत्या की है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते एक बगान से लश्कर ए इस्लाम के 3 आतंकियों की लाश बरामद की गई। पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारतीय समुद्री सीमा में फायरिंग की है। गुजरात के समुद्र में पोरबंदर के द्वारका के पास भारतीय बोट पर की गई। इस फायरिंग में पोरबंदर के मछुआरे इकबाल की मौत हो गई। ओडिशा के मलकानगिरी में 49 माओवादियों ने अपने 380 समर्थकों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। गया में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। रांची में बकरी के दूध की मांग अचानक बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि बकरी का दूध डेंगू की रोकथाम में बहुत उपयोगी है। ललितपुर में जल्दी बिजली संकट दूर होगा। स्कूली सीएम अखिलेश यादव आज जिले के बुरो गांव में बजाज पावर प्लांट का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। मुजफ्फरनगर अक्सर दुगलगी फरमान को लेकर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें लड़कियों को जींस और टॉप पहनने के साथ ही मोबाइल रखने पर पाबंदी लगाई गई। बिजनौर के बघाला में पिछले 15-20 दिनों से पूरा गांव बुखार की चपेट में है। तकरीबन हर घर को बुखार ने शिकार बना रखा है। हर घर के आंगन में बुखार की चपेट में चारपाई पर लेटे बीमारों का बुरा हाल है। हाथरस के कोतवाली सदर इलाके के किला परिसर में लगने वाले प्राचीन दाऊजी महाराज के मेले में लगे कुशवाहा समाज के शिविर में कुछ लोगों ने गोली चला दी। जो सामने बने राठौर समाज के शिविर में बैठे 3 लोगों को जा लगी। काली नगरी भदोही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। विदेश व्यापार महानिदेशालय के अपर महानिदेशक उत्तरी जोन सुमित जैरत के सामने काली नगरी को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिलाने की मांग उठी। गणेश उत्सव की धूम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ है। मुंबई में सितारों के घर से गणपति जी का विसर्जन हुआ। विसर्जन के दौरान सितारे खूब सिरके और कहा पप्पा अगले वर्ष चल दिया। इंद्रोशीना बोरा मर्डर केस पर फिल्म बनाने की बात लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस फिल्म में ऋतु पर्णा, सेन गुप्ता और रिया सेन के काम करने की बात सामने आई है। यूएसए के नए टीवी शो क्वांटिको से प्रियंका चोपड़ा अमेरिकन टीवी सीरीज में डेब्यू करने जा रही हैं। हाल ही में क्वांटिको का 8 मिनट का वीडियो रिलीज किया गया। यशराज बैनर वाणी कपूर को फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं। यशराज बैनर की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर एक प्रमुख भूमिका में थी। अक्षय कुमार की फिल्म सिंह इज ब्लिंक का नया गाना रिलीज किया गया है। गाने में बादशाह ने आवाज दी।